हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और वीडियो में अंत तक बने वॉच कीजिएगा पूरा वीडियो को। सबसे पहले तो हमारा सब्सक्राइबर हो चुके हैं 900 सब्सक्राइबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो कि मेरे साथ स्टार्टिंग से सपोर्ट करते हुए जुड़े हुए हैं और मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं। और मेरे को सपोर्ट करने के लिए बहुत मुश्किल से 900 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं और बहुत मुश्किल से मैंने ये करा है क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम हो गया वीडियो बनाते हुए, लेकिन बहुत सारा ऐसे प्रॉब्लम भी फेस करा मैंने। उसके साथ साथ भी मैंने 900 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा है, तो इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ अभी के बाद, अभी 5-6 बार से ज़्यादा हो चुका है। मैं अभी जो शूट कर रहा हूँ इंट्रो वगैरह जो भी हो, भाई बार बार मेरा फ़ोन ना हीट हो रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं तब भी से शूट कर रहा हूँ भाई, लगभग आधा घंटा होने जा रहा है। मैं इंट्रो से लेकर कुछ बात को डिस्कस कर रहा हूँ और वो भी बैक कैमरा से मैं शूट कर रहा हूँ, तो बार बार मेरे को शूट करना पड़ रहा है क्योंकि बार बार कैमरा बंद हो जा रहा है हीट की वजह से। मेरा वीडियो क्यों ज़्यादा लेट होता है, क्यों बहुत लेट में आता है? पहला रीज़न है मोबाइल पूरा हीट करता है, फ़ोन है ये, और ये मैं फ़ोन से शूट करता हूँ। और ये मैंने ख़रीदा था अपने फर्स्ट इनकम से, जो कि मैं कहीं पे काम कर रहा था, तो उसमें से कुछ मैंने अपने पैसे लगाए और कुछ मैंने अपने पेरेंट्स के लगाए थे। तो उस फ़ोन से मैंने ये फ़ोन खरीदा, उस पैसे से मैंने ये फ़ोन खरीदा। और स्टार्टिंग पे ये अच्छा वर्क कर रहा था, मतलब जो भी काम इसका था अच्छा था। बट फ़ोन ना बहुत ज़्यादा हीट होने लगा। ये फ़ोन है रेडमी नोट 10S। तो गाइस अभी जैसे आप लोगों ने कुछ क्लिप देखा, तो वो क्लिप ना थोड़ा देर पहले मैंने शूट करा। उसके बाद जब मैं बहुत देर मैंने बात करा, लगभग 5-6 मिनट तक, लेकिन भाई मेरे को पता ही नहीं कि कैमरा बंद है। कैमरा बंद है और भाई मैं अकेला बातें कर जा रहा हूँ, मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये है वो है। लेकिन जब मैंने अभी थोड़ा देर पहले इस वीडियो को शूट करने से पहले, तो मैंने जब फ़ोन चेक करा तो भाई मेरा क्लिप है आधा शूट हुआ, मतलब इनकम्प्लीट शूट है। बाकी जो मैंने डिस्कस करा है, बाकी जो मैंने आप लोगों को बताया, वो सारा चीज़ क्लिप में भाई है ही नहीं। भाई फ़ोन बंद हो चुका है गर्म से और बार बार मेरे को इस स्टेप से करना पड़ रहा है। ये जो भी मैं अभी आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ या तो डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारा चीज़ में अभी बहुत टाइम मतलब लग गया मेरे को इसको शूट करने में, लगभग 1 घंटा होने जा रहा है अभी। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा भाई, इतना खतरनाक हीट हो रहा है ना कि मेरे को एक क्लिप को निकालने के लिए मेरे को लगभग 15-20 मिनट अभी रूम अंदर में, वो भी समझ सकते हो कुछ इस टाइप से है फ़ोन का दिक्कत। और वीडियो लेट तो भाई समझ लो ऐसे ही आ रहा है भाई, क्योंकि फ़ोन से भाई शूट ही नहीं हो पा रहा मेरे से, क्योंकि इतना ज़्यादा हीट हो रहा है कि मेरे को एक क्लिप निकालने के लिए लगभग आधा 1 घंटा से ज़्यादा लग रहा है भाई, समझ रहे हो? थोड़ा सा क्लिप निकालने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो गाइस अभी मैं करने वाला हूँ कुछ ट्रिक जो कि मेरा फ़ोन हमेशा हीट होता है रूम अंदर में भी। तो सबसे पहले दिखाते हैं हम कर क्या रहे हैं अभी। और ये देखो प्लास्टिक है मेरे पास, इस जो प्लास्टिक है ना इसमें अभी हम पानी डालने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो मैंने पानी भरा प्लास्टिक में, इसको रख लेते हैं। अभी देखो ये ऊपर दिख रहा होगा आपको, ये अल्वेस्टर दिख रहा है ऊपर, ये एकदम अभी भाई पूरा धूप से ना हीट हो चुका है। इंडोर में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, लेकिन भाई फ़ोन इतना खतरनाक से हीट हो रहा है ना, वीडियो नहीं बन पा रहा। मैं किस ट्रिक से मैं वीडियो बना पा रहा हूँ आप लोगों को पता चलेगा अभी। और जब जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना, कुछ ट्रिक लगाना पड़ता है तभी जाकर मेरा कुछ वीडियो बनता है। और आउटडोर में तो ना के बराबर होता है क्योंकि इतना ज़्यादा हीट हो जाता है। तो हम हीट होने के बाद उसको मैं ठंडा कैसे करता हूँ ये सारा चीज़। और मैं इस फ़ोन को इस पानी में डुबाने वाला हूँ और इसको हम डुबा कर कुछ देर तक छोड़ेंगे। बाद अभी मेरे को 1000 सब्सक्राइबर के लिए बस 100 सब्सक्राइबर का नीड है, जो कि आप लोग कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जितना हो सकता है। भाई इस वीडियो को शेयर कीजिए, मतलब आप लोग से जितना हो सकता है भाई इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरे को सपोर्ट मिले और कुछ ना कुछ अपने बलबूते पे हम कुछ कर पाए। थैंक यू, जय हिंद।